बसमिल्लर रहीम रबी शिराली सदरी वसिल्ली अमरी वाहलदतमिलसानी यफ़ाऊ कौली रदी तो बिल्ल रब्बा वबिलस्लाम्दीना वबमहदिन सल्ल वसल्मा नबी रसूल अल्ला अकबर अल्लाह अकबर

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله الذين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.

अस्सलातु असला अलैका या सय्यदी या ख़ा तमन्नबीन व अला आलिका व वबिका या सय्यदी या ख़ा तमासमीन मौला या सल वसलम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैर ख़लकमी मुनज़ह अनशरीकिन फ़ीमा हासिन ही फ़ौहर उहसिन फ़ी ैर कासिमी मुहमदन ताज रसलि कातिब तहम्मदन सादकवालिवलकली मुहमदन ज़िक्र हुअनफसिन मुहमदन शिक्र हु फ़रदनआलमी رب صَلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نباله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره वाज़ा इस्मों के हमदोसना और हजूर सरवर कायनत मफ़र मौजूद जीनत वज़म कायनत दस्तगेर जहां गम गसार ज़म सैद सरवरा हामी बेकसामायदुलमरसलिन ख़ातमन नबीन आहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलीही व असहाबीही वबरक वसल्लम के दरबार गहर बार में हदीद रदूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू माह अगस्त के लिहाज से आजादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं मेरी दुआ है खाल के कायनत जला जलालू हमें हकीकी आज़ादी अता फ़रमाए अकाबरीन तहरिक पाकिस्तान ने जिस नज़रिया पाकिस्तान को सामने रख कर जिदोजोद की और कुर्बानियाँ दी उसी नक्शे के मुताबिक हमें पाकिस्तान को ज़लाल मुकम्मल करने की तोहफ़ी कदाफरमाए पाकिस्तान अपने नज़रिए के लिहाज से क़ुरानी नज़रिए से मुनसलिक है और बड़ी मुकद्दस बस्ती है लेकिन नाम नहाद सियासतदानों ने और मुख्तलिफ़ फितना गरों ने इसके तकदस को पामाल कर रखा है अपनी हकीकत और असलियत और नजरिए के लिहाज से जो पाकिस्तान है उसके बारे में मैं ये कहता हूँ लोहे दिल पे जा बजा मस्तूर पाकिस्तान है मस्तूर का माना है लिखा हुआ सतर से लोहे दिल पे जा बजा मस्तूर पाकिस्तान है मुस्तफा के नूर से पुर नूर पाकिस्तान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसका नज़रिया वही है जो रसूल अलैहि वसल्लम ने अबू जाल के मुकाबले में पेश किया था लोहे दिल पे जा बजा मस्तूर पाकिस्तान है मुस्तफ़ा के नूर से पुर नूर पाकिस्तान है है दुआ मौला से या रब पाक हो ये इस तरह जिस तरह के इसका ख़ुद दस्तूर पाकिस्तान है अल्लाह ताला तुहदा आज़ादी कर्कनान आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी और कायदीन आज़ादी को फ़िरदौस में बुलंद मकामा फरमाए माह सफ़रमज़फ़फ़र के लिहाज से इस उम्मत के बड़े बड़े अजीम अलिया कराम के आरा से मुबारक इस महीने में उनके अयाम विशाल के लिहाज से मुनदद किए जाते हैं खसूस तौर पर मखदुम उम्म सैद हजवेर हज़रत सयदनाथ दाता गंजी बख्श जवेरी खुद ससिरीज़ खा के पंजाब अजदम व ज़िंदा गश्त जिनके दम कदम से पंजाब की मट्टी ज़िंदा हुई पूरी दुनिया में उनका फैज़ पहुँच पा और हजरत मुजद अल्फसानी शेख अहमद सलहदी फारूक़ी खुद ससिरीज़ जिन्होंने अकबर के सामने खड़े होकर डट के तोहद की अजान दी और मुजद दीन व मिलत इमाम आल सुन्नत आला हज़रत इमाम महमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अज़ीज़ जिन्होंने हक पर पहरा देने के लिए चमुखी लड़ाई लड़ी और फातह कादिया हज़रत सैदना बिर सैद मेहर अली साहब चिश्ती गोलडवी कुसरज़ और दीगर बहुत से अलिया कराम के आराश मुबारका सफ़रलमज़फ़र में आते हैं अल्लाह सब के मराकद पर करोड़ों रहमत नाजिल फ़रमाए और खाल के कायनत जला जलाल हूँ उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए और रबैसजल हम सब को उनकी फ्यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए हम इन वलियों की शान को भी बयान करते हैं इनके मक़ाम को भी बयान करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इनकी जो तालीमात हैं उनको भी बयान करते हैं इनकी शान सुनने से इनका मकाम सुनने से भी ईमान को ताजगी मिलती है इनका फैज़ान मिलता है और इनकी तलीमत से ख़ूसी तौर पर इनका फ़ैज़ पहुँचता है कि जिसके ज़रिए से बंदे को उसी रस्ते पर चलने का पता चलता है जिस रस्ते पर चल कर वह अल्लाह के क़ुरब में दाखिल हुए और अल्लाह ताला तुन को मकामी वलायत अता फरमाया क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है हमारे आका सल अल्ला वसलम हज़रत महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी हैं मगर वलायत का दरवाज़ा बंद नहीं है आज भी कुरान और सुन्नत की तालीमात और सालीन के अमल को सामने रखने की बुनियाद पर बंदा अल्लाह का वली बन सकता है और तबारक व ताली के साल में अपने आप को शुमार कर सकता है तो इस बुनियाद पर पैगामे और लिया कान्फ्रेंस का इन, इन किया जा रहा है जिसमें इन मुकद्दस हस्तियों की किताबों से वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक जो टाइम है जुमे का इनका मुख्तसर मुख्तर पैगाम आपके सामने रखूंगा जो मेरे लिए और आप सबके लिए रोशनी है अल्लाह ताला तब को उस पर अमल करने की तोहफ़ी फरमाए सबसे पहले कशफुल महजूब शरीफ जो असल फारसी में तहरीर की सैदना दाता गंज बखशवेरी रहमत ने इससे आपका एक पैगाम आप के सामने आज करना चाहता हूँ सफ़ा नंबर सौ पर है सैदना दाता गंज बखश्जवेरी रहत फ़रमाते हैं व इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तन हो मी गोयत कि इमाम आजम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अन हो फरमाते हैं इमाम आजम के नाम के साथ दाता साहब ने रदी अल्लाह अन हो लिखा कि इमाम आजम अजीम ताबीन में से हैं और ख़ैरलकुर में से हैं फरमाए व इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन हो मी कोत नौफल कि चूँ नौफ़ल बिन हयान वफ़ात याफ्त कि जिस वक़्त हज़रत नौफ़ल बिन हयान फौत हुए रद अल्लाह ताल बखाब दीदम तो इमाम साहब कहते हैं कि नौफल बिन हयान रदी अल्लाह तह को मैंने ख़्वाब में देखा कि क्यामत कायम शुदास्त के ख़ाब में मैंने देखा कि क़्यामत कायम हो चुकी है वह जुमला खलक अंदर हिसाब का कायमन और तमाम मखलूक़ जो हैं वो मैदान माशर में हिसाब के लिए हाजिर हैं वह पैगम्बर सल्ला वसम दीदम इस्तादा और सरवर कायनात हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ह वसलम का मैंने दीदार किया आप खड़े थे तशरीफ़ फरमा थे अलैहि सल्ला व्ल्लमरा दीदम मुतशम्मिर इस्तादा बर हौज़ कौसर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत चाको चौबंद मुशम्मिर का माना है इस हालत में हौज़ कौसर के पास आपको मैंने खड़े देखा कि लोगों को पानी पिलाने के लिए व बर रास्त व चप व मशाइ दीदम इस्तादा और आपके दाएँ जानब और दूसरी जानब मैंने मशाइ को देखा कि वो खड़े हैं व पीरे दीदम नेको रोए एक बूढ़ी उम्र के शख्स को मैंने देखा यानी अरब फ़ारसी में पीर बूढ़े कहते हैं पीर दीदम बुढ़ापे को पहुंचे हुए एक शख्स को मैंने देखा नेको रोए जिनका चेहरा बड़ा नेक नज़र आ रहा था वर सर मुए सफ़ैद गुजाश्ता और सर के बाल सफ़ेद थे खद बर ख़द पैगम्बर सल्ला वल् निहादा और अपना रुखसार उस हस्ती ने रसूल अकरम सल्ला व्लम के रुखसार के ऊपर रखा हुआ था ऐसी हस्ती को मैंने देखा जो बूढ़े भी थे सर के बाल सफ़ेद थे और अपना रुखसार रसूल अक्रम सम के रुखसार के ऊपर रखा हुआ था अंदर बराबर व नौफल रा दीदम और उसी मकाम पर सामने खड़े हुए हज़रत नौफल बिन हयान को भी देखा कि जिनका ताज़ा ताज़ा विशाल हुआ था और ख़्वाब मैं उनको देख रहा था और साथ ही क्यामत का मंज़र देख रहा था वह चूम मरा बदीद बसुए मन आमत जब नौफल ने मुझे देखा तो मेरे दोस्त थे मेरी तरफ़ चल के आए व सलाम गुफ्त और सलाम कहा गुफ्तम मरा आप दे तो मैंने कहा कि आप मुझे भी हौज कौसर का पानी पिलाएं हजरत नौफल से कहा गुफ्त अज पैगम्बर सल्लिम दस्तूर खाहम कि पहले मैं रसूल अक्रम इजाज़त ले लूँ क्योंकि असल तो आप पानी पिलाने वाले हैं और साकी ये कौसर हैं बंगश इशारत करद तामरा आपदाद तो रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफ़ी मज़्म सल्ला वसम ने उंगली से इशारा फरमाया हज़रत नौफ़ल को कि वो मुझे पानी पिलाएँ मन अज़ा आब बदम मैंने वो पानी पिया व मर अहाब खुदरा बदादम और जितने मेरे असहाब हैं यानी मेरे शागिरद फुकाहा जो मेरे साथ मौजूद थे मेरी तकलीद करने वाले मैंने इनको भी पानी पिलाया और उस प्याले में इतनी बरकत थी कि अजा जाम ये चीज़ कम न गश्त कि मेरे पीने से और मेरे असहाब के पीने से उस प्याले में कोई कमी वाक़ ना हुई गुफ्तम बनाफन बर्रास्त पैगंबर पैगम्बर आ पीर कीस्त तो मैंने हज़रत नौफल से पूछा कि ये जो रसूल करम सल अलैहि वसलम की दाई जानब खड़े हैं और बूढ़े हैं सर के बाल सफेद हैं और सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने अपना रुखसार रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसलम के रुखसार के ऊपर रखा हुआ है ये कौन शख्सियत हैं गुफ्त इब्राहिम खलील सलातुल्लाही अला नबी नवाले कि ये हज़रत सैदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है व दीगर बर चप वे और कहा जो हस्ती इनके बिल मुकाबिल बाई जानब खड़ी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वे अबू बकर अल्लाह बकरह वो हज़रत अबू बकर अल्लाह हैं हम चुनी मी पुरसीदम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस ख्वाब का तजकर करते हुए कशफिल महजूब में कहते हैं इसी तरह मैं पूछता गया क्योंकि पास बहुत से लोग खड़े थे तो हज़रत नौफल मुझे बताते गए और मैं उंगली पर पोरों पर गिनता गया तो कहते हैं ताज हफ्ता कस बपुरसीदम दम तो इस तरह करके शख्सी याद के बारे में मैं पूछ चुका था कि मुझे जाग आई तो मेरा जो पोरा था वो गिनते गिनते सतरवें मकाम पर पहुंचा हुआ था तो ये हज़रत सैद नाग दाता गंज बख्श हजवेरी आला का तसूस तौर पर मकतूब है और इसमें ज़िक्र करदा शख्सियात का मकाम है और यहाँ ही आपने हज़रत याहिया बिन मुआज़ राज़ी रदी अल्लाह तह का कौल ज़िक्र किया कि वो गोयद वो कहते हैं पैगम्बर बखाब दीदम मैंने रसूल अक्रम सम को ख़्वाब में देखा गुफ्तमश मैंने आपसे कहा या रसूल सला का वसम आन अतलुबू का लोग कई रास्ते बताते हैं आपकी तरफ़ जाने वाले कि ये रास्ता भी जाते रसूल सलाम की तरफ़ जाता है ये तरीका भी आपका है ये तरीका भी आपका है तो आप खुद मुझे बताएं कि किस रास्ते पे चलूं तो आपको मैं पालूं, आपको ढूंढने और आपको मिलने और आपको पाने का रास्ता कौन सा है काला इंदा इल्मे अभी हनीफा था कि मुझे पाने का रास्ता अबू हनीफा का इल्म है यानी अबू हनीफा के इल्म की रोशनी में दीन इस्लाम पे चलते हुए आप मुझे पा सकते हैं हम अपने उर्फ में तरीक़त शरीयत और हकीकत कसरत से ये लफज बोलते और सुनते हैं लेकिन इनका मतलब क्या है ये बहुत कम बयान किया जाता है वैसे तो हर कोई पीरे तरीकत रहबर शरीयत है हज़रत मुजद अलफिस रहमत ने अपने मकतूबा शरीफ में इस पर बास की है सबसे पहले तो इस चीज़ को वाज़ किया है कि ये जो तीनों मनसब हैं तरीक़त हकीक़त और शरीयत इन में दर्जाबंदी और ग्रेड के लिहाज से बुलंद मर्तबा किसका है और कौन किसके ताबे है तो आप मकतूब नंबर छत्तीस में फरमाते हैं तरीक़त हकीकत के सूफिया बआ मुमताज़ गश्तानंद किस तरीक़त और हकीकत ये दोनों चीज़ें के जिन की बुनियाद पर सूफिया कराम आम लोगों से मुमताज़ हो जाते हैं ये दोनों क्या हैं हर दो खादम शरीय ये दोनों शरीयत की खादिम हैं तरीकत भी शरीयत की खादिम है और हकीकत भी शरीयत की यानी मखदूम शरीयत है हाकिम शरीयत है हकूमत शरीयत की है रहनुमाई शरीयत की तरफ से है यानी तरीक़त भी वो सही है जो शरीयत के ताबे हो और हकीकत भी वो है जो शरीयत के ताबे हो और कहीं कोई शख्स शरीयत के अहकाम से बगावत कर रहा हो और इसको तरीक़त करार दे रहा हो या इसको हकीकत करार दे रहा हो तो ये झूठ है चूँकि तरीक़त और हकीक़त जो असल में तरीक़त और हकीकत हैं वो कभी भी शरीयत से बगावत नहीं करती क्योंकि शरीयत पर अमल की बुनियाद पे ही तरीकत मिलती है और शरीयत पर अमल की बुनियाद पर ही हकीकत मिलती है फिर ये शरीयत जिसको तरीकत और हकीकत दोनों के ऊपर हकूमत हासिल है शरीयत में तीन चीजें हैं हजरत मुजद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरीयत रा से जुज शरीयत के तीन अज्जा हैं इल्म, व अमल व इखलास, के शरीयत के अंदर नंबर एक इल्म है नंबर दो अमल है और नंबर तीन अमल में इखलास है महज इल्म भी शरीयत नहीं और महज अमल भी शरीयत नहीं क्योंकि अमल करने के लिए इल्म का होना जरूरी है मसलन नमाज पढ़नी हो तो तरीका आता हो तो पढ़ सकते हैं फिर अगर इन दोनों कामों के अंदर रियाकारी हो तो ये सारा सफर जाया हो जाता है तो इस वास्ते यानी हजरत मुजद रहमतुल्लाह अलैह के और उसका ये ख़ास तब्रुक है कि शरीयत के तीन अज्जा आपने बयान किए हैं और तरीक़त और हकीकत को शरीयत की खादिम करार दिया है और फिर एक और मकतूब के अंदर मिसाल देकर आपने तरीकत हकीकत और शरीयत का फर्क बयान किया है जिससे फिर हर जगह दीगर अमूर में भी वो फ़र्क समझा जा सकता है आप फरमाते हैं मसलन मसला दरो बबान नागुफतन शरीय जुबान से झूठ ना बोलना ये शरीयत है जुबान से झूठ ना बोलना कि झूठ का सुदूर जुबान से ना हो ये शरीयत है आगे इसमें कई सूरतें हैं यानी कभी यह है कि बंदा डर की वजह से झूठ नहीं बोल रहा कि उस चीज पर गवाह मौजूद है मैं झूठ बोलूंगा तो बंदे कहेंगे कि ये तो इस तरह हमने देखा है तुम इस तरह कह रहे हो यानी डर की वजह से झूठ नहीं बोलता लेकिन ना बोलने का अमल पाया गया है कि झूठ नहीं बोला और कभी जो है वो तशवीश में है कि कभी सोचता है अच्छा था झूठ बोल लेता बड़े फ़ायद मिल जाने थे और मैंने गलत किया नहीं बोला बाहर बोला नहीं है मगर अंदर के दिल की कैफियतें कई हैं मुतलकन झूठ ना बोलना जब उसने नहीं बोला तो शरीयत पाई गई है ये शरीयत है झूठ ना बोलना आगे दिल से झूठ से नफरत करना यानी दिल में ही नफरत है कोई डराए या ना डराए किसी का डर हो किसी का डर ना हो दिल ही ऐसा है कि उसके अंदर झूठ से नफरत है तो ये दिल में झूठ की जो नफरत है ये तरीकत और हकीकत है अब इसका आगे फिर फर्क होगा कि तरीकत और चीज है हकीकत और चीज जुबान से झूठ ना बोलना ये शरीयत है और दिल से झूठ को बहुत बुरा समझना बहुत कभी समझना और बड़ी नफरत करना झूठ से अपने तौर पर ये तरीक़त और हकीक़त है आगे फिर इसकी दो किस्में हैं एक है झूठ से नफरत तकल्लुफ से करना और एक है झूठ से नफरत तबीयत की बुनियाद पे करना यानी बंदा एक नफरत तो झूठ से करता है मगर उसको अपने दिल को बड़ा समझाना पड़ता है इसमें तकल्लुफ करना पड़ता है मुशक्कत करनी पड़ती है बार बार दिल को इस तरफ लाना पड़ता है अगर तकल्लुफ और मुशक्क़त की बुनियाद पर दिल में झूठ से नफरत हो तो इस हालत को तरीकत कहते हैं और अगर दिल ही ऐसा हो कि वहां झूठ से नफरत के लिए तकल्लुफ करना ही ना पड़े तबीयत ही ऐसी है तो फिर इसको हकीकत कहते हैं तो इस पर हर चीज़ को आगे क्यास किया जा सकता है मसलन शराब नोशी है चोरी है और कई मामला हैं तो ये यानी ये अल्फाज जो हम बोलते हैं शरीयत, तरीक़त और हकीकत उनके लिहाज से बड़ी वाज़ तशरी हज़रत मुजद अल्फानी रमतल ने फ़रमाई है अब देखो असल इन लोगों से इन हस्तियों से ताल्लुक़ ये है कि इनका लिखा हुआ पढ़ा जाए कि इन्होंने हमारे बड़े मसले हल किए हुए हैं अगर हम ना पढ़ें मोहब्बत करें फ़ायदा तो उस मोहब्बत का ज़रूर है लेकिन जो कुछ इन्होंने लिखा है वो नला नूर है यानी आज हमें गुमराह करने वाले बेशुमार तबके हैं और इन्होंने उन गुमराहियों से हमें बचाने के लिए पहले ही हमारी हिफाजत का एहतमाम किया हुआ है अब ये हम पर है कि हम इनका जो लिखा हुआ है वो पढ़ें वो पढ़ाएँ वो सुने और उसके मुताबिक आगे चलें तो बहुत से फितनों से हम महफूज़ हो सकते हैं ऐसे ही हमारे मसलक में चूँकि पीरी मुरीदी और तावीज़ अमलियात इस तरह की बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं तो इनमें भी हमारे कई मौजूद पहले हो चुके हैं छपे हुए भी हैं जादू की मजम्मत और इस तरह के मौजुआत तो ना तो मुतलकन ऐसे है कि तावीज़ हराम है या नाजायज़ है मुतलकन ऐसा नहीं और ना ये है कि हर तरह का जायज़ है और ऐसे ही ना ये है कि पीरी मुरीदी का इस्लाम में कोई तसवुर नहीं है जिस तरह कुछ लोग ये पेश करते हैं और ना ये है कि हर बंदा ही पीर बन जाए और ये आसान सा मशगला इसको आगे जारी कर दे यानी हमारा मुआशरा इन दोनों किस्म के फितनों से भरा हुआ है और यहाँ भी रहनुमाई ज़रूरी है आला हज़रत इमाम महमद रज़ा ख़ा फ़ाजल बरेलवी रमत आप फतावा रिजविया शरीफ की ज़िल्द नंबर इक्कीस में इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स से बैत का हुक्म है जो कम अज कम ये चारों शर्तें रखता हो यानी ज्यादा उसमें खूबियां हों तो जितनी ज्यादा उतनी अच्छी हैं, लेकिन कम अज कम मेरिट ये है कि ये चार उसमें जरूर हों चार में से एक भी कम ना हो चारों उसमें मौजूद हों अव्वल सुन्नी सही उल अकीदा हो यानी ये पहली है फिर मुरीदी के लिए यह शर्त नहीं है कि कोई हवा में उड़ के दिखाए अगर वाकई उड़ के दिखा भी दे तो फिर भी वो पीरी मुरीदी की शर्त ही नहीं है पीरी मुरीदी यानी जिस शख्स से बैत का हुक्म है पहली शर्त यह है कि सुन्नी सही उल अकीदा हो नंबर दो इल्म दीन रखता हो यानी ये एक जो है ना कि पीर का बेटा पीरी होना है खा वो कुत्तों की लड़ाई करता हो या जिस तरह का भी हो ये आहले सुन्नत का की तालीमात नहीं है यानी उसके लिए मसन्नत पे बैठने के लिए जरूरी है कि वो इल्मे दीन रखता हो सोम फासिक ना हो यानी दाढ़ी मुंडा या और जो फिसक की बातें हैं किरदार के लिहाज से फासिक ना हो और नंबर चार उसका सिलसिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो कहीं भी दरमियान में इनफिसाल ना हो यानी कड़ी से कड़ी मिली हुई हो रसूल अक्रम की ज़ात गिरामी तक ख़वा व सरकार से जाकर किसी सिहाबी के ज़रिए मिले लेकिन सिलसिले का मुतसिल होना ज़रूरी है तो ये चार शरात आला हज़रत इमाम महमद रज़ा ख़ँ फ़ाजल बरेलवी रहा ने फ़तावा रजविया शरीफ में बयान की हैं तो माशरे में इन शरात का भी इब्लाग करना चाहिए क्योंकि गली गली में पीर हैं और हर तरफ पीर हैं और फिर उनका तकाजा जो हकीकी पीर है उन वाला है कि मसलन जो हम कहें उस पर अमल करो और इल्म मफकूद है तो जब इल्म नहीं है तो वो फिर किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दे रहे होंगे मुरीदों को जो शरीयत में जहाँ हराम है या मकरू है तो इस बुनियाद पर फिर माशरे में बिगाड़ लाजिम आएगा तो किसी के भी मुरीद बन जाओ लेकिन ये शर्तें जो हैं वो पेश नज़र रखो और असल जो पीरी मुरीदी है ये मकतूबा शरीफ में फरमाते हैं हज़रत मुजदल्फानी रहमतल्ला हज़रत ख्वाजा उबैदल जो यानी जहाँ हजरत मुजदल्फानी की गर्दन भी झुकी हुई है उनके सामने उनका कौल मकतूबाद शरीफ के अंदर आप नकल करते हैं आप फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा अहरारदल्ला सर रहूमी फरमोदन कि अगर मन शेखी कनम हैज शेख दर आलम मुरीद न याबद कि अगर मैं पीरी मुरीदी करने पे उतर आऊँ तो दुनिया में किसी पीर को कोई मुरीदी ना मिले अगर मन शेखी कनम पीरी मुरीदी इसके लिए मैं बैठ जाऊं हेज दर आलम जहान में किसी पीर को हे शेख मुरीदे ना याबद एक मुरीद भी मुरीद करने के लिए ना मिले सारे मेरे मुरीद हो जाए लेकिन कहा के मरा दीगर फरमुदान, मुझे मेरी दूसरी ड्यूटी लगाई गई है यानी असल इकामत दीन है एहिया दीन है और दीन के अंदर पैदा होने वाले जो बिगाड़ हैं उनको दूर करना है और जब ऐसी हवस दिल में आ जाए कि मेरे मुरीद ज़्यादा हों और इसके नतीजे में अमर बिलमारूफ और न ये मुनकर में फ़र्क आ जाए अगर मैंने ये कहा तो ये बात लोगों में पसंद नहीं की जाएगी तो वो मेरे करीब नहीं आएंगे अगर चे सरकार ने फरमाया हुआ है कि तुम पे फर्ज है कि यह बयान करो तो फिर ऐसी कई चीजें दरमियान में आड़े आती हैं कसरत मुरीदीन का जब शौक हो जाए तो हजरत ख्वाजा उबैदल अहरार रदी अल्लाह अनु ने फरमाया वैसे तो मैं पीरी मुरीदी करूँ तो किसी और पीर को कोई मुरीदी ना मिले लेकिन मेरा काम दूसरा है इस बुनियाद पर मिलत बैजा को जिंदा करना और पीरी मुरीदी में भी ये पैगाम देना यह सुन्नत और दीन और क़ुरान का पैगाम और मुख्तलिफ किस्म की बिदात और रसूम का ख़ात्मा ताकि असल इस्लाम की जो तलीमत हैं उन तलीमत को अपनाया जाए और उन तलीमत को आगे पहुँचाया जाए ये फ़तावा रजविया की जिल्द नंबर चौबीस है इसमें तावीज़ों के बारे में पूछा गया है क्या फरमाते हैं हैंदी इस मसला में कि अमलियात यानी तावीज़ वगैरह किताबों से करना हक है या बातिल? किस तौर से जवाज़ और किस तरीक़ से नाजायज़ रकम फरमाएँ इसकी तफसील तो वैसे घंटों का तकाजा करती है मैं जो लिखा हुआ है सिर्फ वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ आप फरमाते हैं आला हज़रत फ़ाजल बरिलवी र मलियात तावीज़ जो जायज़ हैं कौन से हैं तावीज़ इलाही अम्लियातवीज़ असमायलाही इलाही से ज़रूर जायज़ हैं अल्लाह के असमा और अल्लाह के कलाम से जबकि उनमें कोई तरीका खिलाफ शरा ना हो मसला अगर हो आयत से या अल्लाह के नाम से मगर मुर्ग के खून से लिखा जा रहा हो तो वो दमे मसबूत व हराम होता है यानी कलमाते इलाही कलाम इलाही से हो इलाही से हो और आगे उस में कोई तरीक़ा ख़िलाफ़ शरा ना हो मसला ये के दरवाज़े के जो सरदल है वहां इसको दफन करना है कि जो गुजरे ऊपर से गुजरे तो ये इजमालन आपने फरमाया कि उसमें कोई तरीका खिलाफ शरा ना हो मसलन कोई लफज गैर मालूम माना ना हो यानी तावीज़ के अंदर कोई लफज ऐसा ना हो कि जिसका माना शरीयत में मालूम ही नहीं है कि उसका माना क्या है जब गैर मालूम हो तो हो सकता है कि वो किसी शैतान का नाम हो और उसकी ताजीम की जाए या हो सकता है वो किसी अच्छी हस्ती का नाम हो और उसकी तोहिन की जा रही हो फरमाया कि अगर ऐसे अल्फाज तावीज़ में लिखे हों तो फिर उसकी इजाज़त नहीं मिसाल के तौर पर फरमाया कि दुआ दौ ताउन में लोग लिखते हैं तासूसा आसूसा मासूसा तो इन लफ्ज़ों के माने मालूम नहीं है तो ऐसा तावीज़ जायज़ नहीं है ऐसे अलफाज की इजाज़त नहीं जब तक हदीस या आसार या अकवाल मशाख मतमदीन से साबित ना हो ये तो है खुद तावीज़ का मजमून उसके लिहाज से शर्तें, फिर आगे लिखने के लिहाज से फरमा यू ही दफे सरा यानी मर्गी को दूर करने का जो तावीज़ है दफे सरा वगैरह के तावीज़ के मुर्ग के खून से लिखते हैं कहते हैं मुर्ग ले आओ फलाँ शरत का काला ले आओ या सफ़ेद ले आओ उसके खून से लिखते हैं यह भी नाजायज है इसके मुश्क यानी कस्तूरी से लिखें कि वो भी असल में खून है लेकिन वो नापाक नहीं है यूं ही हुब्बो तस्खीर के लिए बाज़ तावीज़ात कि फलां को फलां से मोहब्बत हो जाए कोई किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है या अपना मुसखर करना चाहता है तो हब्बो तस्खीर के लिए तावीज़ात दरवाज़ा की चौखट में दफन करते हैं कि आते जाते इस पर पाँव पड़ें यह भी ममनू व खिलाफ अदब है अब ये जो कुछ अल्लाज ने लिखा है आज भी मुआशरे में इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं हैं और उस वक्त से तो शायद कहीं ज्यादा हो गई है यानी हर गली में ऐसी फैक्ट्रियां है तैयार हैं इस तरह की तावीज़ देने के लिए या लेने के लिए लोग चले हुए हैं अच्छा जी इसके बाद अगली शर्त है कि मकसद क्या है तावीज का उसमें भी एक मकसद के लिए हलाल है और दूसरे मकसद के लिए हराम है नाजायज़ है इसी तरह वो मकसूद जिसके लिए वो तावीज़ या अमल किया जाए अगर ख़िलाफ़ शरा हो तो नाजायज़ हो जाएगा यानी खा लिखी आयती जा रही है और लिखी वो स्याही से जा रही है और पाँव के नीचे दफन भी नहीं की जाएगी लेकिन मकसद जो है वो जायज़ नहीं जिसके लिए लिखी जा रही है जिसके लिए वो तावीज़ किया जा रहा है मिसाल के तौर पर आल फरमाते हैं जैसे औरतें तस्खीर शोहर के लिए तावीज कराती हैं औरतें तस्खीरे शहर के लिए तावीज कराती हैं यहां मकसद नाजायज है अगरचे पहली सारी शर्तें पाई जाएं तो मकसद के नाजायज होने की वजह से यह तावीज नाजायज होगा क्यों ये ना जायजा है? कहते हैं ये हुक्म शरा का अक्स है शरीयत का हुक्म ये नहीं कि औरत हाकिम हो और शोहर महकुम हो शरीयत ने शोहर को हाकिम और, और औरत को महकुम बनाया है और ये तावीज शरी तालीमात के खिलाफ मकसद के लिए किया जा रहा है कि ये हुक्म शरा का अक्स है अल्लाह अज्जा वजल्ला ने शोर को हाकिम बनाया है और औरत को उसे शोर को महकूम बनाना औरत पर हराम है कि औरत अपने शोहर को अपना महकूम बनाया जब अल्लाह ने उसे हाकिम बनाया है तो ये उसे महकूम क्यों बनाती है अब अगरचे बाकी शर्तें जायज भी हों तो मकसद जो है वो नाजायज होने की वजह से ये तावीज जो है वो नाजायज हो जाएगा यूं ही तफरीको अदावत के अमल व तावीज के महारम में किए जाए मसलन भाई को भाई से जुदा करना ये तावीज कोई किसी को जाके कहता है कि इन दो भाइयों में इत्तेफाक ना रहे इसके लिए मुझे तावीज कर दो तो ये कतः रेमी है और कत रेमी हराम है तो ये हराम बात के लिए तवीज़ करवाया जा रहा है तो अगरचे पहली सारी शर्तें हों कि कोई शैतानों के नाम नहीं लिखे जा रहे आयात से तवीज़ किया जा रहा है तो फिर भी चूंकि मकसद जो है वो आगे है कतः रेमी भाइयों को आपस में लड़ा देना या जुदा करना यूं ही जनों शोहर में निफाक डलवाना कि कोई तवीज़ करवाए किसी के फलाम शोहर और बीवी आपस में उनका इत्तिफाक ना रहे शोहर बीवी आपस में लड़ जाएं आपस में उनका इत्तिफाक ना रहे सरकार फरमाते हैं हदीस शरीफ में है ले मिन्ना मन खप बाबा इमरा अला जोजहा सरकार फरमाते हैं वो बंदा मेरी उम्मत में से नहीं जो औरत को अपने खामंद के बारे में भड़काता है यानी औरत को उसके खामंद से मुतनफर करता है या औरत को खामंद से लड़ाने के लिए कोशिश करता है तो ये अब जो तावीज़ किया जा रहा था औरत और उसके शौहर में फ़र्क करने के लिए तफरीक करने के लिए तो यहाँ मकसद हराम है तो इसलिए ऐसा तावीज़ करना या करवाना ये जायज़ नहीं है फरमा बल्कि मुतलकन ये औरत और शोहर या भाई और भाई ये तो अपनी जगह रहे मुतलकन दो मुसलमानों में तफरीक बिला ज़रूरत शरी नाजायज़ है कि कोई दो दोस्त हैं दो मुसलमान हैं तावीज़ करवाना कि इनका आपस में इतफाक़ ना रहे ये आपस में लड़ पड़े इनका झगड़ा हो जाए तो ऐसा तावीज़ कराना भी जायज़ नहीं है क्योंकि इसके बारे में भी रसूल अक्रम सम का हुक्म है कि ला तबागतु वला तदाबरु आपस के अंदर अदावत ना रखो एक दूसरे से पीठ ना फिर फेरो खा मखा आपस में दुश्मनी ना करो तो अब ये तफसी का खुलासा है कि एक तो ये है कि जो लिखना है तावीज़ के अंदर वो आयात हों आसमाए होंदीस हों या वो मालूम अल्फाज जो बुज़ुर्गों से मनकूल हैं और उसके बाद ये है कि जो आगे उसकी इस्तेमाल का तरीक़ा है उसमें कोई बेदबी ना हो वो खून से लिखा ना जा रहा हो वो चौकट के साथ दफन ना किया जा रहा हो या इस तरह की और बहुत सी चीज़ें साथ मिलाते हैं तो फिर यह है कि वो मक़सद किसका, किसके किस के लिए किया जा रहा है इस मकसद को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है इनमें से कोई चीज़ भी जिस वक़्त वो ख़िलाफ़ शरा आएगी तो करने वाला और करवाने वाला वो दोनों पकड़े जाएंगे शरीयत में लेकिन दोनों का मुआखजा होगा हाँ ऐसी कोई कबाहत ना हो जो बयान की गई हैं तो आल फरमाते हैं गर्ज नफ् अमल या तावीज़ में कोई अमर खिलाफ शरा या मकसूद में नाजायज ना हो मतलब है कोई शरत किसी के लिहाज से भी कोई ख़राबी नहीं पाएगी मुतलकन तावीज़ किया जा रहा है जो आयत से है हदीस से है जायज़ लफ्ज़ों से आए जायज़ तरीक़े से है, जायज़ मकसद के लिए है तो फरमाया ये मखलूक को फ़ायदा देना है ये नफ़ आरसानी है तो इस वास्ते ये जायज़ भी है मूजब अजर भी है यानी इस तावीज़ करने वाले को अजर मिलेगा सवाब मिलेगा कि उसने मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तावीज़ किया है अब ये दो सरहदों के दरमियान हमारा मजहब वाक़ है एक कि जो मुतलकन कुरानी आयत के तावीज़ को भी हराम और शिरक करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये दरमियान में जो चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको भी दाखिल किया जा रहा है तो ये जो फ़तावा में खुलासा ज़िक्र किया गया आल हजरत फाजिल रेलवी की तरफ से इसको बार बार सुने और इसके मुताबिक आगे तबलीग करें ताकि मुआशरा के अंदर जो इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं उनका सद्देबाब हो पिछला जुमा हमने तहफ़ ख़तम नबूत के मौजू पर पढ़ाया और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से फैसला आया उस पर बड़ी तफसील के साथ अल्लाह के फजल से हमने गुफ्तु की और उस पर मुकम्मल तबसरा किया और अपने दलाइल दिए मेरे पहले दलाइल अगरचे मैं बीमारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सका था लेकिन लिख के मैंने भेजे थे उसका हवाला भी उन्होंने फ़ैसले में दिया मगर उसको माना नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है जो 24 जुलाई को हुआ इसमें जो इम्तना कादयानीत आर्डिनेंस है उस पर शब खून मारा गया है और ये कादियानियत नवाज़ फैसला है हम इसको मुस्तरद करते हैं कादियानियत नवाज़ फैसला आम दो, आम दो। कादियानियत नवाज़ फैसला कादिया नियत नवाज फैसला कादिया नियत नवाज फैसला खत्म नबूत ताज दार खत में खत्म नबूत ताज दार खत्म नबूवत खत में मासूमियत वाखिर दावा अनिल अनिलहमदुल्ला रबी आलमी